आज दूसरे चरण का मतदान पूरे देश भर में चालू है और अब तक का जो रुझान है, लोग भारी संख्या में वोट दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं मतदाताओं को अपील करना चाहूंगा कि सुरक्षित देश के लिए, समृद्ध देश के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए ऐसी पार्टी चुनिए जो अपने वादों पर खड़ी रहे। देश भर में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण मैं सब दिशाओं में प्रचार कर फिर से एक बार आज भोपाल आया हूं। देश भर में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत बड़ा उत्साह है और हर जगह पे वो प्रदर्शित हो रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान और बढ़ा है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एपीसमेंट की उनकी पुरानी आदत को फिर से एक बार रिपीट किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को हम आगे बढ़ाएंगे ये बात की है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, पर्सनल लॉ को आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? किस प्रकार का पंथ निरपेक्ष संविधान आप इस देश में चाहते हैं? हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है, देश के कानून धर्म के आधार पर नहीं बन सकते। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्टता के साथ कहा है, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे, सभी पंथ मजहब के लोगों के लिए एक ही कानून होगा। हमने ट्रिपल तलाक समाप्त किया है, यूसीसी की शुरुआत की है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी जी पर्सनल लॉ की बात करते हैं, वो देश को खंड खंड तोड़ने की बात है और शरिया के आधार पर क्या देश चलेगा? किसी एक धर्म के कानून के आधार पर ये देश नहीं चल सकता। ये देश में पर्सनल लॉ नहीं चल सकते, ये भारतीय जनता पार्टी का फर्म बिलीफ है। मोदी जी ने जो गरीब कल्याण के काम किए हैं उसके कारण गरीबों में मतदान का बहुत उत्साह है। दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज और गांव के गरीब, सभी वर्ग के गरीब बहुत उत्साह के साथ मोदी जी के लिए वोटिंग कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हम तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में 1 तारीख के बाद नरेंद्र मोदी को देखेंगे। ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और करोड़ों देशवासियों की भावना है।